हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एंकर ट्रेडिंग ट्रिक्स की। एंकर ट्रेडिंग ट्रिक्स कैंडलस्टिक पैटर्न्स, कैंडलस्टिक की फॉर्मेशन से कैलकुलेशन होती है। एंकर ट्रेडिंग जो होती है उसमें आपको कैंडलस्टिक्स का यूसेज कहाँ पे, उनकी फॉर्मेशन हो रही है, किस लेवल पे हो रही है, वो सारी चीजें देखनी होती हैं। कैंडलस्टिक्स क्या होता है? कैंडलस्टिक्स बेसिकली दो तरह की कैंडल से पैटर्न्स ऑफ फॉर्मेशन होती है। वन इज रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल, और यू कैन से व्हाइट कैंडल एंड ब्लैक कैंडल, और इन सम सॉफ्टवेयर देयर इज ब्लू एंड रेड एंड मेनी मोर। सो ग्रीन कैंडल तब फॉर्म होती है अगर हमारा ओपन हुआ काउंटर या स्क्रिप उसके ऊपर क्लोजिंग आई तो वो ग्रीन कैंडल होगी, हाई या लो जो भी बना हो। एंड अगर ओपन से नीचे क्लोज हो रहा है, हाई लो जो भी हो, तो वो रेड कैंडल होगी। जो रियल बॉडी होती है दैट इज ओपन माइनस क्लोज, या एंड शेडो इज क्लोज से हाई कितना गया है, ओपन से लो कितना गया है, या क्लोज से लो कितना गया है, ओपन से हाई कितना गया है, दैट इज अपर शेडो एंड लोअर शेडो। सिर्फ इतनी कैंडलस्टिक की नॉलेज एंकर ट्रेडिंग ट्रिक्स कैलकुलेट करने के लिए काफी है। अब हम बात करते हैं एंकर क्या होता है। एंकर को हम हिंदी में लंगर भी कहते हैं। अब मान लीजिए एक शिप है, उस शिप को अपने पोर्ट के पास या कहीं भी रुकना है या स्लो होना है, तो वो क्या करेगा? वो शिप अपने एक एंकर होता है उनके पास, उसको लंगर को पानी में डाल देगा या पोर्ट पे रख देगा, उससे उसकी स्पीड स्लो या वो रुक जाता है। इसी तरीके से अगर हम इसको अपने स्टॉक मार्केट या अपने चार्ट्स पे फॉर्म करें, तो अगर पुराना कोई पैटर्न चला आ रहा है, से स्टॉक गिरता जा रहा है या बढ़ता जा रहा है, और एक एंकर कैंडल बन गई, अगर वो हमारे सारे पैरामीटर्स पूरी करती है, तो हम ये मान के चलते हैं कि वहां से रिवर्सल आ सकता है। इसी तरीके से अब हम बात करते हैं कि एंकर बार के फीचर्स क्या होते हैं। अभी मैंने बोला कि वो पैरामीटर्स अगर पूरे करता है तो एंकर बार का जो पहला वो है, पास्ट डेटा इज यूज्ड फॉर फ्यूचर प्रेडिक्शन। जो पुराना डेटा है, दैट मींस पुराने पैटर्न है, वो हमारा फ्यूचर प्रेडिक्शन, रिवर्सल मोस्टली फ्यूचर प्रेडिक्शन में भी हेल्प करेगा। सेकेंड इज वाइड स्प्रेड, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो एंकर बार की बॉडी होती है, जो एंकर बार का एरिया कवर होता है, दैट शुड बी ह्यूज इनफ, जितना बड़ा उतना बेहतर, विद ऑल अदर पैरामीटर्स। रेंज शुड बी ग्रेटर देन 3%। थर्ड इज हाई वॉल्यूम, वॉल्यूम हाई होने चाहिए उस एंकर बार पे। देन गैप अप और गैप डाउन, अगर एंकर बार आपको गैप अप या गैप डाउन के साथ मिला है, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए स्टॉक ने क्लोजिंग दी, अगले दिन 90 रुपए खुला, और 90 रुपए के बाद वो और 80 रुपए पे क्लोज हो गया विद ह्यूज वॉल्यूम, और वो बॉडी भी उस 100 रुपए के शेयर के हिसाब से वो बड़ी है, क्योंकि 100 रुपए का स्टॉक है, अगर 10 रुपए की उसने अपनी बॉडी बनाई है तो 10% विच इज गुड इनफ, तो मोर देन 3% ऑल्सो। तो वो गैप अप, अगर गैप डाउन वाले एंकर बार हैं तो और भी बेहतर है। एंकर टॉप और एंकर बॉटम क्रिएट करते हैं, एंकर हमारे डबल टॉप या डबल बॉटम भी क्रिएट करते हैं। कितने तरीके के एंकर बार्स होते हैं? देर आर फाइव मेनली। वन इज वाइड स्प्रेड एंकर बार, मतलब जितनी बड़ी बॉडी जितना बड़ा उसका स्प्रेड है, दैट इज वाइड स्प्रेड एंकर बार। सेकेंड इज हाई वॉल्यूम एंकर बार, उतनी बड़ी बॉडी नहीं है बट वॉल्यूम बहुत हाई है। थर्ड इज गैप एंकर्ड बार, अभी जो हमने बात करी गैप डाउन या गैप अप अगर उसने किया है तो। थर्ड फोर्थ इज क्लस्टर्ड एंकर्ड बार, एक ही जगह पे बहुत सारे एंकर्ड बार बन रहे हैं। एंड फिफ्थ इज कॉन्ग्रेंट एंकर्ड बार, विच इज मोस्ट पावरफुल। एक लेवल क्रिएट किया एक एंकर बार ने, से 90 रुपए का मेरे को सपोर्ट दे दिया एंड 100 रुपए का रेजिस्टेंस दे दिया, अब कुछ दिन बाद दोबारा से फिर से एक 90 रुपए का सपोर्ट और 100 रुपए का रेजिस्टेंस वाला एंकर्ड बार बन गया, तो दैट मींस वो लेवल जो क्रिएट निकल कर आए हैं 100 रुपये 90 रुपये, दोज आर वेरी पावरफुल लेवल्स। वाइड स्प्रेड एंकर्ड बार देखते हैं। वाइड स्प्रेड एंकर्ड बार यू कैन सी मारुति सुजुकी का, इसमें आपको दिख रहा है कि 5,000 8,000 से 8,600 का पूरा उसने कवर किया है, दैट इज अ वाइड स्प्रेड ह्यूज बॉडी। देन हाई वॉल्यूम एंकर्ड बार,
इस वॉल्यूम में आप इस कैंडल में देख सकते हैं आप वॉल्यूम बहुत ह्यूज है, दैट इज हाई वॉल्यूम एंकर्ड बार। देन गैप एंकर्ड बार, स्टॉक की अभी हमने बात करी थी, क्लोजिंग दी, क्लोजिंग से नीचे खोल दिया, वो एंकर्ड बार भी बन गया विद ह्यूज वॉल्यूम एंड बॉडी, दैट इज गैप एंकर्ड बार। क्लस्टर्ड एंकर्ड बार अभी मैंने आपको बताया था, ग्रुप ऑफ एंकर बार्स गेटिंग फॉर्मड इन अ रीजन, एक ही एरिया में से 10 15 20 दिन के रीजन में या महीने भर के रीजन में बहुत सारे एंकर्ड बार बन गए, दैट इज क्लस्टर्ड एंकर्ड बार। देन अनदर इज कॉन्ग्रेंट एंकर्ड बार, टू एंकर्ड बार लेवल्स मैचिंग। अब हम बात करते हैं ट्रेड सेटअप की। ट्रेड सेटअप इसका इस तरीके से होता है कि हमारे को, ये मैं अभी आपको सिर्फ थ्योरेटिकली बता रही हूँ, हम इसको विद एग्जांपल्स भी देखेंगे। आपको एंकर्ड बार बना, उसके लो के पास खरीदना है विद अ प्रॉपर स्टॉप लॉस और हाई के पास बेचना है विद अ प्रॉपर स्टॉप लॉस ऑब्वियसली। देन वेट फॉर कंफर्मेशन बिफोर एंट्री, यू कैन यूज RSI। ऐसा होता है, मान लीजिए सेल कैलकुलेट हुआ, सेल आ रहा है मेरा 200 रुपए के आसपास, अब 200 रुपए के पास मेरे को बेचना है लेकिन RSI ऑलरेडी 30 की है, तो आई शुड वेट बिकॉज 30 की RSI पे स्टॉक ऑलरेडी ओवरसोल्ड है, तो मैं ऐसे में क्या सेल करूं। देन ओल्ड एंकर इज वैलिड टिल न्यू एंकर इज फॉर्म्ड, एक एंकर बार बना, अब वो तब तक वैलिड है जब तक अगला एंकर बार नहीं बन जाता। दोजीज आर नॉट एंकर, दोजी एंकर बार नहीं होती हैं, दोजी भी रिवर्सल का आपको आइडिया दे सकती हैं, बट एंकर बार एंड दोजी बार्स आर ऑल टुगेदर डिफरेंट। अगर किसी एंकर बार में ओपन इज इक्वल टू हाई और ओपन इज इक्वल टू लो बन के आ रहा है, तो वो एंकर बार आर वेरी पावरफुल, लुक फॉर रिवर्सल। रेड एंकर बार अगर आपका बना है तो ट्राई करिए सेल, ग्रीन एंकर बार बना है तो ट्राई बाय, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, रेड एंकर बना है ट्राई सेल, ग्रीन एंकर बार बना है ट्राई बाय, वर्क्स फॉर इक्विटी एंड कमोडिटी बोथ। नाउ विल कम विद ऑन एग्जाम्पल। अच्छा, सबसे पहले हम ये जो एक्सेल जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी वो इस टाइप की है, ये है एक्सेल, इसमें हम हाई लो पुट करेंगे तो हमारा रेंज परसेंटेज स्टॉप लॉस सब कैलकुलेट हो जाएगा। ये एक्सेल बार, ये एक्सेल आपको हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, एक दिस। अब हम आते हैं एग्जांपल्स पे, हम लोग चेक करेंगे सबसे पहले ACC का। ओके, ACC का ये आपका करंट है, तो आई विल लुक फॉर अ सम ह्यूज वॉल्यूम बार, दिस इज अ कैंडल। ओके, बट दिस इज मोर लाइक 2G यू कैन से, बिकॉज ओपन 15:30 एंड क्लोज इन 15:21, तो रेंज बहुत ज्यादा नहीं है। लेट्स फाइंड सम अनदर वन। ओके, दिस वन इज विद ह्यूज वॉल्यूम, बहुत अच्छा वॉल्यूम है। इस कैंडल का हाई और लो चेक करेंगे, इस कैंडल का हाई लो है, हाई 1647.55, मैं यहाँ पे पुट करूंगा 1647.55, 1647.55, और लो है इसका 1531.25। ये एंकर बार है, यस बिल्कुल है, इसने हमें स्टॉप लॉस दिया है 1672 एंड बाय स्टॉप लॉस है 1502। अब सबसे पहले हमें देखेंगे रेड कैंडल, तो रेड कैंडल पे हमें क्या करना था, रेड कैंडल पे हमें सेल करने का है, तो हमें यहाँ पे सेल करने का मौका इसने यहाँ पे दिया अराउंड, तो इस वाली कैंडल का हाई इज 17 एंड इस कैंडल का हाई इज 1647, दूर का है, चलिए कोई और एग्जांपल देखते हैं, आपके साथ लाइव ही इसलिए चेक कर रहे हूँ। ओके,
अमर राजा बैटरीज को एंकर बार नहीं दिख रहा। ओके, अपोलो हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल में देख सकते हैं हम वॉल्यूम वाली कैंडल्स। तो अगर रिसेंटली देखें तो ये तो ग्रीन है, वॉल्यूम वाला ये है, बट इसमें कुछ नहीं हुआ। इसमें देखते हैं, ये देखिए, इस कैंडल का हाई इज 1397 पॉइंट। सबसे पहले चेक करेंगे कि ये एंकर बार है या नहीं है। तो हाई लिखा 1397.55 एंड लो इज 1345, सॉरी 1345। ओके, दिस इज अ एंकर बार। ओके, तो हमारे को इसने सेल का स्टॉप लॉस है 1411 एंड बाय का स्टॉप लॉस है 1332। तो अब मेरे को इसमें सेल के लिए देखना है। तो सेल करने का इसने मेरे को मौका आफ्टर 3 डेज दे दिया। हाई लगाया 1403, मेरा स्टॉप लॉस इज स्टिल सेफ। जब मैंने 1398 पे भी सेल किया था तो नेक्स्ट डे इसने मेरे को लो दिया है 1375, ऑलमोस्ट 25 रुपीज। देन नेक्स्ट डे लो 1365, सो इट केम अराउंड 1365। तो 1400 से 1365 अराउंड 35 रुपीज का इसने मेरे को मूव किया है यहाँ पे। एक और देखें, ओके, अपोलो टायर, अपोलो टायर में देयर इज अ कैंडल। यहाँ पे उसने मेरे को बाय के लिए दिया था, यहाँ से ऑलमोस्ट इतना मूव दिया था। एशियन पेंट्स में यू कैन सी इसने मेरे को यहाँ पे बाय का मौका दिया एंड इट गेव मी अराउंड। आप इसको चेक कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले वही स्टेप्स हैं, एक्सेल में पुट करेंगे हम इसका हाई लो। हाई है 1820, 1820, 1820 एंड लो इज 1698, 1698। यस, इट्स एंकर बार। बाय स्टॉप लॉस 1668 एंड सेल स्टॉप लॉस 1851। तो हमें बाय करना है अराउंड 1700। सो यहाँ पे 1717 तक आया, देन इट गेव अस अराउंड। इनफैक्ट इसका स्टॉप लॉस की अगर हम कैंडल क्रिएट लाइन क्रिएट करें तो स्टॉप लॉस है 1668, 1668 एट। एंड यू कैन सी कि मेरे स्टॉप लॉस से को सेव करता हुआ इट गेव मी अराउंड 1668 से इसने मेरे को पूरा मूव दिया है आपका 1863 रुपीज। तो दिस इज हाउ एंकर कैंडल्स वर्क एंड वी कैन फाइंड। हम ऐसे ही उनको कैलकुलेट करते हैं लाइव एग्जांपल पे। अगर हम तुमने तो जैसे ये औरबिंदो फार्मा है तो रेड कैंडल है, तो सेल का इसने मेरे को यहाँ पे दिया। एक्सिस बैंक में ढूंढते हैं, चलिए कोई देखिए यहाँ पे है ग्रीन कैंडल, ये मेरी एंकर बार होगी। इसने मेरे को बाय दिया यहाँ पे एंड देन गेव अराउंड लो इज 671 एंड हाई इज अराउंड 755। 100 रुपीज मूव, दिस इज आर एंकर कैंडल। दिस वन सो दीज आर द थिंग्स। ऐसे हम अपनी एंकर बार कैलकुलेट कर फाइंड आउट कर सकते हैं। देन उस पे कैलकुलेशन करके वी कैन फाइंड आवर स्टॉप लॉस एंड टारगेट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। एक्सेल आपको उसमें हेल्प करेगा। ये एक्सेल आपको हमारे टेलीग्राम के फ्री चैनल में मिल जाएगी।
ट्रेड सेटअप आपको ये दे रखा है, हमेशा लो के पास बाय करना है एंड स्टॉप हाई के पास सेल करना है। फॉर एनी क्वेरीज आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं और मेल ड्रॉप कर सकते हैं harmonictraders@gmail.com पे। रिलेटेड एक्सेल मैंने आपको पहले भी बता दिया है, या मटेरियल आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पे, जिसकी डिटेल आपके सामने स्क्रीन पे है। हम लोग की यूट्यूब पे और भी एजुकेशनल वीडियोस हैं, प्लीज गो एंड चेक देम। यूट्यूब का पूरा लिंक भी आपके सामने है, एंड हम लोग की वेबसाइट पे भी हार्मोनिक एंकर ट्रेडिंग के ऊपर मटेरियल है। गो चेक, फाइंड इट आउट, आप देखिए उसको, समझिए उसमें पुराने एग्जाम्पल्स, नंबर्स, पूरा कैलकुलेशन, ट्रेड सेटअप, सारी चीजें दे रखी हैं। मेक यूज ऑफ देम, फायदा उठाइए, ट्रेडिंग करिए, प्रॉफिट करिए। थैंक यू।